दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोनी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक शव यात्रा निकालकर नारेबाजी की। दरअसल राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर पर लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामाजिक सौहार्द खराब करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक शव यात्रा निकाली और मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही चप्पल से पिटाई की। बीजेपी के मंडल महामंत्री ने मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, स्वरा भास्कर, उम्मीद पहलवान को रासुका के तहत जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही लोनी में माहौल शांतिपूर्ण करने के लिए विधायक नंदकिशोर का आभार जताया और कहा कि विधायक की तहरीर पर सभी राष्ट्र विरोधियों की जल्दी गिरफ्तारी हो। जो राहुल गांधी जी ने हमारे लोनी को बदनाम करने की साजिश की है, उम्मीद पहलवान और ये हमारे ओबीसी हैं, लोनी को और जनता को भड़काना चाहते हैं, यहाँ बदनाम करना चाहते हैं। इस चक्कर आज हमने राहुल गांधी जी का और ओबीसी का और उम्मीद पहलवान का पुतला दहन किया है और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारी लोनी की जनता बहुत सुखी, बहुत शांति है। माननीय हमारे योगी जी हैं जो रात दिन हमारे लिए चैन से घूमते रहते हैं और हम लोग शांति से रहते हैं। माननीय विधायक जी दिन रात हमारे क्षेत्र में रात 2 बजे हो, 3 बजे हो, रात दिन मोटरसाइकिल से, कार से चक्कर लगाते रहते हैं और उनके राज्य में हम आज सुख चैन से हैं। और ये जो राहुल गांधी है, लोनी को बदनाम करना, जनता को भड़काना, आपस में टकराना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और हम ईंट से ईंट बढ़ा देंगे, राहुल गांधी को देश छोड़ने को मजबूर कर देंगे और हमारी यही सबसे अपील है, सब जनता अपनी शांतिपूर्वक रहे। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग को कुछ युवक पीटते नजर आ रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद ये पाया कि ये दो परिवारों की आपसी रंजिश का मामला है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया।